हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अनदर वुल्फ कॉप मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो चैनल पर अपलोडेड है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम सिडनी नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की एक ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। इस दौरान हम देखते हैं कि जिसने उसका माइक पकड़ा हुआ था उसके हाथ से वो माइक गलती से सिडनी को लग जाता है, जिस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी टीम की एक लेडी वहां पहुंचती है जो कि उसे एक एलियन डिवाइस से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर हमें झलक दिखाई जाती है कि उसने अपने माइक मैन को बहुत ही बेरहमी से मरवा दिया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ चोर चोरी कर भाग रहे थे और उस दौरान पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही थी, तो वो लगातार उन पर गोलियां चला रहे थे, जिसके बाद वो लोग रॉकेट लॉन्चर से गाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें अपनी गाड़ी के ऊपर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी एक बहुत ही खतरनाक हाथ उनकी गाड़ी के अंदर आता है जो कि उन पर अटैक कर देता है और फिर एक एक करके सभी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लोउ है, जो इस वक्त वुल्फ के रूप में है। तभी हम देखते हैं कि गोली चलने की आवाज सुनने की वजह से टीना भी अपनी टीम के साथ गाड़ी की तरफ निकल जाती है। और वो जब उस ट्रक के पास पहुंचती है तो देखती है कि उस ट्रक की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और ट्रक के अंदर दो आदमियों के सर बहुत ही बुरी कंडीशन में उनके धड़ से अलग पड़े हुए थे। ये देखकर टीना भी घबरा जाती है और वो कहीं ना कहीं जान चुकी थी कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं लोउ ने किया है। तो वो लोउ के पास पहुंचती है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें इस वक्त घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। पर लोउ कहता है कि उस गाड़ी पर मुझे शिफ्टर के निशान मिले थे, इसीलिए मैं उस गाड़ी पर गया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टीना लोउ से ये बात कहती है कि इस गाड़ी की हमें अच्छी से जांच करनी होगी, इसलिए यहाँ से इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। फिर हम देखते हैं कि लोउ को उस गाड़ी के अंदर से एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है और उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर से कोई और नहीं बल्कि विली बाहर निकलता है, जो कि पिछली मूवी में हमने देखा था कि वो मर चुका था। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि पहले जो शेफ शिफ्टर विली का रूप लेकर घूम रहा था उसने विली को कैद कर रखा था और अब असली विली को अपने पास देखकर लोग काफी खुश होता है क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बिजनेसमैन की लैब में एक रोबोट को बनाया जा रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक बात थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टीना लोउ के पास पहुंचती है और उसके पास वही ड्रिंक थी जो कि उस बिजनेसमैन ने तैयार की थी और वो उस ड्रिंक को जब विली को दे देती है तो विली उस ड्रिंक को पी लेता है। और उसको पीने के बाद हम देखते हैं कि विली के शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ लोउ भी एक वुल्फ में कन्वर्ट हो रहा था, जिस वजह से टीना लोउ को रूम में लॉक कर देती है क्योंकि लोउ बाहर आने के बाद क्रिमिनल्स को पकड़ने की बजाय उन्हें बेरहमी से मार दिया करता था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विली के पेट में से भी एक अजीब सा घिनौना क्रीचर बाहर निकलता है जिसका फेस बिल्कुल विली की तरह था और वो उसको देखकर काफी घबरा जाता है और भागते हुए बाहर आता है तो उसे वहां पर टीना दिखाई देती है। हालांकि इस दौरान विली को देखकर टीना को ऐसा लगता है कि वो शेप शिफ्टर है जिसे वो शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन विली उसे बताता है कि एक शेप शिफ्टर ने उसे कैद कर रखा था। और साथ ही साथ वो इस दौरान अपने पेट से निकलने वाले क्रीचर को भी दिखाता है, जिसे देखकर टीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। में दूसरी तरफ स्कॉट और लेजी को दिखाया जाता है जो कि क्लब में पहुंचते हैं तो उन्हें चारों तरफ कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई देती है और उसी दौरान उन्हें एक रोबोट अपने पास आता हुआ दिखाई देता है जो कि वही रोबोट था जो बिजनेसमैन ने बनाया था और वो रोबोट स्कॉट पर अटैक कर देता है। ये देखकर लेजी काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो तुरंत बाहर आती है और टीना को इस बारे में इन्फॉर्म करती है और ये सारी चीजें लोउ भी सुन लेता है, इसलिए वो खुद को नहीं रोक पाता। फिर टीना के वहां से निकलते ही वो भी विली के साथ क्लब के पास जाता है। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि लोउ और टीना उस रोबोट का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रोबोट पर किसी तरीके का कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद लोउ उस रोबोट का सामना करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो रोबोट उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। इस दौरान हम देखते हैं कि इस झड़प में लोउ काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीना के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो उस रोबोट को जलाने की कोशिश करती है और उसे
आग लगाकर लोगों को वहां से लेकर निकल जाती है। और क्योंकि लोग काफी ज्यादा जख्मी था, इसलिए विली उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे अपनी सिस्टर कैट के पास ले जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ बिजनेसमैन की लैब का सीन देखते हैं, जहां पर वो लोग उस रोबोट को फिर से तैयार करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी हम कैट को देखते हैं जिसके पास एक असली चांद का टुकड़ा था, जिससे वो दवाई बनाकर लोगों को सुंघाती है। और फिर हम देखते हैं कि लोग देखते ही देखते वहां पर ठीक हो रहा था, और ये देखकर विली काफी खुश होता है। फिर हमें टीना और डेजी को दिखाया जाता है जो कि केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो उन्हें पता चलता है कि ड्रिंक की बोतल पर जैसा निशान बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही निशान शिफ्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये देखकर ही टीना कंपनी के ओनर सिडनी की लैब में पहुंचती है और वहां पहुंचकर जानने की कोशिश करती है कि ये लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कैट जब उस पाउडर को सूंघती है तो देखते ही देखते वो भी एक वुल्फ में बदल जाती है। और यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि कैट भी एक वुल्फ है, और यही वजह थी कि उसके पास असली चांद का टुकड़ा था। उसी दौरान हम देखते हैं कि विली जब टीवी में उस बिजनेसमैन यानी कि सिडनी की एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, तो सिडनी की आवाज सुनकर उसके पेट में मौजूद वो क्रीचर अजीब तरीके से बदलने लगता है। और इस वक्त वो काफी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब वो एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ टीना और डेजी को देखते हैं जो कि उस लैब में जब इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्हें आवाज सुनाई देती है कि वहां पर एक हॉकी का कोच आया है जो कि अपनी टीम लेकर वहां पहुंचा, और जिसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। और सिडनी यहां पर उसके साथ बहुत ही बुरा करता है, क्योंकि उसे वो अपनी ड्रिंक पिलाने के बाद उस एलियन मशीन को एक्टिव कर देता है, जिसके चलते वो ड्रिंक पीने के बाद उस आदमी के शरीर में वो मॉन्स्टर एक्टिव हो जाता है, जो कि उसका पेट फाड़ कर बुरी तरीके से बाहर निकल आता है और उसकी गर्दन में काट कर उसे बहुत ही बेरहमी से वहीं पर मार देता है। और ये सब कुछ देखकर टीना वहां से जाने का डिसीजन लेती है, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तभी कोई डेजी को बंदी बना लेता है। इधर हम देखते हैं कि विली के पेट से निकलने वाला वो मॉन्स्टर लो पर अटैक कर देता और उसे भी पूरी तरीके से काटने की कोशिश करता है, लेकिन कैट बिना समय गवाए उसे शूट करके मार देती है। और उसी वक्त लो के पास टीना का कॉल आता है जो उसे सारी सिचुएशन बताती है। तो वो कहता है कि हम लोग जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और विली और लो जब टीना के पास पहुंचते हैं तो टीना उन्हें देखकर काफी खुश होती है। और यहां पर विली उसे ये भी दिखाता है कि मेरे पास असली चांद का टुकड़ा है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। और फिर वो तीनों स्टेडियम पहुंच जाते हैं और वहां पर हमें झलक दिखाई जाती है कि स्टेडियम में मौजूद सारे लोग वही ड्रिंक पी रहे थे, जिसके चलते उनके पेट में वो मॉन्स्टर या कह सकते हैं वो क्रीचर पनप सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर सिडनी आता है, जो लोगों से ये बात कहता है कि हम पूरी इकोनॉमी बदल देंगे और सब कुछ अब बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सबको वो ड्रिंक पीने के लिए कहता है, हालांकि वो खुद के लिए भी मंगाता है लेकिन खुद उस ड्रिंक को नहीं पीता। और उसी दौरान वो उस एलियन डिवाइस को भी एक्टिवेट करवा देता है, जिसके सुनने की वजह से सभी के पेट में वो मॉन्स्टर पनपने लगता है और बाहर आने लगता है। और फिर देखते ही देखते वो मॉन्स्टर वहां मौजूद लोगों को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, और इसी के चलते वहां स्टेडियम में कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए विले तुरंत उस डिवाइस के पास पहुंचकर उसे तोड़कर वहां पर दूसरा म्यूजिक बजा देता है। ये सुनकर सिडनी काफी परेशान होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर क्या हो रहा है और वो चीजों को ठीक से समझ नहीं पाया था। लोग भी उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो लोग जब लोगों को शूट कर रहे थे तो उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। हालांकि सिडनी अपनी टीम को उसका सामना करने के लिए भेजता है, लेकिन वो एक एक करके सबको मारने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो एक आदमी के शरीर से उसकी खाल को बुरी तरीके से नोचकर निकाल देता है। तभी हम देखते हैं कि सिडनी की टीम की एक लड़की टीना को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान वहां पर विली पहुंच जाता है, जो कि उस लड़की को शूट करके टीना को बचा लेता है। जिसके बाद सिडनी बताता है कि उसने डेजी को किडनैप किया हुआ है और वो उसके सहारे वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी प्लेयर्स आकर लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन लोग उन्हें भी एक एक करके बेरहमी से मार देता है। और क्योंकि अब वो काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो चांद के टुकड़े को फिर से सूंघता है और एक हथियार लेकर बाकी बचे हुए प्लेयर्स को भी मारने लगता है। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की फिर से एक गाड़ी लेकर आ जाती है, जो कि लोगों को कुचलना चाहती थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो उस वक्त मरी नहीं थी। फिर हम टीना को देखते हैं जो कि सिडनी को रोकने की कोशिश करती है, और उसे रोकने के लिए वो उसके कान में गोली चला देती है, लेकिन वो इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। और वहीं सिडनी टीना से ये बात कहता है कि इस वक्त तुम लोग जहां पर खड़े हो वहां बॉम्ब लगा हुआ है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम जाकर अपने दोस्तों को बचाओ या फिर मैं अभी इसका बटन दबा देता हूं और हम यहीं मारे जाएंगे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लड़की अपनी गाड़ी से गोलियां चलाने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा कमजोर दिखने लगता है। लेकिन वो लड़की लोगों को कुचल पाती उससे पहले ही वहां पर कैट पहुंच जाती है, जो उस लड़की पर अटैक करके उसे गाड़ी से बाहर
बाहर फेंक देती है और लो कैट को वहां देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद लो को एनर्जी देने के लिए वो लोग ड्रिंक में उस पाउडर को फिर से मिलाकर देते हैं और उस लड़की को मारने के लिए वहां पर मौजूद चेयर लीडर्स उस पर अटैक कर देती हैं और उसे बेरहमी से मार देती हैं। इस दौरान उन लोगों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन टीना वहां आकर बताती है कि हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड है यहां से बाहर निकलने के लिए। और फिर वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उस स्टेडियम में बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।